रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी में गौमांस की तस्करी को लेकर दो आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के सिवनी में कथित गौरक्षक को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिवनी में कथित गौरक्षक के नाम पर दो आदिवासी भाइयों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। वही चंद्रशेखर आजाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आरोपियों के विरुद्ध चुप्पी साधे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आ रहा है। वहीं नेमावर नीमच के बाद सिवनी में आदिवासी नरहंसार पशुओं के नाम पर इंसानों की हत्या की जाती है। आपको बता दें ये अन्याय कब तक चलेगा, जवाब मांग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। आपको बता दें बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के सिवनी से। ये भैया इनके साथ में और छह आदमी है, छह आदमी को नहीं बुलाएंगे तो हम तो कितने करे तुम्हारे साथ में इधर आ रहा है ना। पूछो ना दादा फिर से बता 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 नहीं जो काम अरे इधर ये लो सही बताओ तीन झंडे के चार नहीं और ये ये आदमी थे बस तीन ही इन लोगों ने काट लिए तुम लोगों ने और आदमी थे ये तीन आदमी झूठ बोल रहा है उधर एक भगा ना अभी एक पे एक मिनट तुम दो हाँ पूरा सही सही बता दो तुम छूट जाओगे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा या ना तुम सही सही बता दो गलत मत बता दो तुम अलग हो जाओगे बोलो हाँ बोलो बस ओनली तीन ही किसके लिए काटे थे किसके लिए काटे थे सब सुनो तो भैया भैया हाँ किसके लिए काटे तुमने।